दोस्तों झारखंड एक ऐतिहासिक राज्य है जिसके रंग रंग में इतिहास की बूंदें छिपी है। आज हम आपको झारखंड की एक ऐसे जिले के सफर पर ले जा रहे हैं जिसे संथाल जनजाति की भूमि कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जिले की जो कि पूरे एशिया में अपने सबसे बड़े कोल फील्ड के लिए भी जाना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं गोड्डा जिले के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गोड्डा पहले दुमका जिले का हिस्सा हुआ करता था। 1981 में गोड्डा को दुमका से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था और गोड्डा शहर गोड्डा जिले का मुख्यालय भी है। 2110 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ यह जिला धार्मिक दृष्टि के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी काफी महत्व रखता है और साथ ही यह जिला अपने ऐतिहासिक धरती, प्राचीन मंदिर और कई दार्शनिक स्थलों के लिए भी पूरे देश में प्रसिद्ध है। और दोस्तों यहीं पर मौजूद है दुनिया का श्रेष्ठतम सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से बना अडानी थर्मल पावर प्लांट जो कि पर्यावरण की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। इस पावर प्लांट से यहाँ 1660 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और साथ ही गोड्डा में बिजली उत्पादन होने से राज्य में कई बड़े और छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिला है। गोड्डा में कई अलग अलग संस्कृतियाँ और परंपराएं भी देखने को मिलती है। देखने में यह शहर जितना खूबसूरत है उतना ही यहाँ के रहन सहन और परंपराएं भी खास है। यहाँ का इतिहास पूरी तरह से जनजातियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ संथालों की जनजाति सबसे ज्यादा है और इसी कारण इस जिले को संथाल जनजातियों की भूमि भी कहा जाता है। और दोस्तों क्या आपको पता है पूरे देश में जो रेशम की चमक है उसमें एक बड़ी हिस्सेदारी इस जिले की है। गोड्डा जिला में भगया पंचायत पारंपरिक हैंडलूम रेशम निर्माण और बुनाई के लिए जाना जाता है। और दोस्तों गौरव की बात तो यह है कि झारखंड देश भर में सिल्क उत्पादन में 76.4% की हिस्सेदारी रखता है। गोड्डा में कई फास्ट फूड दुकानें हैं जो आमतौर पर शाम के समय से खाना परोसना शुरू करते हैं। यहाँ एक फेमस अड्डा है जिसमें रोजाना फास्ट फूड प्रेमियों की भीड़ लगी रहती है और साथ ही गोड्डा के स्ट्रीट फूड में कई तरह के डिलीशियस मिठाइयाँ भी शामिल है। खाने की बात हो गई तो जरा पीने की भी बात कर ही लेते हैं। गोड्डा में कई जगह चाय की हब है और यहाँ की फेमस चाय शहर के कई टी लवर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और बात की जाए यहाँ की जनसंख्या की तो 2011 के सेंसस यानी जनगणना के अनुसार गोड्डा की कुल जनसंख्या 13,11,382 है। इन सब के अलावा मैं आपको बता दूं गोड्डा के लाल मतिया में ही एशिया का सबसे बड़ा कोल फील्ड भी मौजूद है। 1980 के अंत तक गोड्डा जंगल से भरा हुआ था लेकिन यहाँ का इंटायर सिनेरियो ही चेंज्ड हो गया जब भू विज्ञान सर्वेक्षण की एक टीम द्वारा राजमहल की पहाड़ियों के नीचे कोयले की पहली बार खोज की गई और अब यह खदान प्रति वर्ष 11.5 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर रही है। इसे और बढ़ाकर 17 मिलियन टन किया जा रहा है। गोड्डा जिला सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग और हवाई मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। गोड्डा जिले का गोड्डा रेलवे स्टेशन इस जिले का प्रमुख रेलवे स्टेशन गोड्डा रेलवे स्टेशन है जो कि गोड्डा के लोगों को देश के बड़े महानगरों से भी जोड़ता है। और बात की जाए एयरपोर्ट की तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि यहाँ से अप्रोक्स 80 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं गोड्डा जिले का वह तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसके बिना गोड्डा जिले का भ्रमण अधूरा है। सुंदर डैम, यह डैम अपने नाम की तरह ही काफी सुंदर है। यहाँ पिकनिक के समय काफी लोगों की भीड़ भाड़ देखने को मिलती है जो कि इस शहर का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। अगर आपने गोड्डा आकर सुंदर डैम नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इसके साथ ही आप बायोडायवर्सिटी गोड्डा, गोड्डा पार्क, दामाकौल वाटरफॉल, रोज गार्डन, माँ योगिनी मंदिर भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अब झारखंड के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और दोस्तों, क्या आप भी अपने शहर का वीडियो देखना चाहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने शहर का नाम जरूर लिखें। अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।